सिवान के बरहरिया में गांधी मजरूल हक सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी सह राजद लोकसभा के प्रत्याशी हेना साहब ने फीता काटकर उद्घाटन किया। फिर ग्राउंड में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर की, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। हर साल की भांति इस साल भी बरहरिया में खेल ग्राउंड में क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। इस टूर्नामेंट में विभिन्न राज्यों की टीम हिस्सा लेती है। आज का मैच सिवान वर्सेज कोलकाता के बीच खेला गया। राजद के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हिना साहब ने कहा कि खेल आपसी सौहार्द बनाए रखती है, इस तरह का खेल का आयोजन हमेशा होता रहना चाहिए। इसमें दो टीम है, एक सिवान है और एक कलकत्ता टीम है। मैं दोनों टीम को बधाई देती हूँ जीतने की, और मैं सिवान जिला वासियों को भी इस प्रोग्राम में आने का न्योता देती हूँ, और इसको बहुत आगे तक हम लोग ले जाएंगे। इंशाल्लाह तरक्की होगी और इसमें चकरिया का बड़ा योगदान है, और इस प्रक्रिया में जितने भी हमारे सभी लोग हैं, नेतागण हैं, सभी को मैं बधाई की पात्र मानती हूँ। सभी लोग सम्मिलित हैं अपनी बातों के साथ में, अपनी बात के साथ। जय हिंद। सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है यहाँ के बारे में, बरहरिया के बारे में, इस तरह के आयोजन के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? बधाई है आयोजकों को, और हर साल की भांति इस साल भी ये आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ इस क्षुद्र इलाके में भी ब्लॉक स्तर पर इतना बड़ा आयोजन किया जाता है, बाहर से भी टीम आती है, लोकल टीम आती है, इसलिए क्रिकेट के प्रति लोगों का जिज्ञासा बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है। और इसी का नतीजा आज के गोपालगंज के जिला का भी एक लड़का जोनल में सेलेक्ट हुआ है, और एक लड़की हमारे बरौली के भी वो क्रिकेट जगत पहुँचा रही है। यही नतीजा है, यहाँ का जो प्रतिभा है वो राष्ट्रीय स्तर पर अब देखने को मिलेगा। इसके लिए सभी आयोजकों को, टीम को, सबको, मैडम को, सबको धन्यवाद। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के नाम पे इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाता है, क्या कहेंगे इसको प्रत्येक साल? बिल्कुल, बरहरिया में जो है पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के नाम पर यह क्रिकेट का आयोजन किया जाता है। यहाँ के आयोजकों के द्वारा जो है डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के प्रति बड़ी आस्था है, और लोगों का बड़ा हुजूम है, समर्थन है।
इसलिए जो है उनके नाम पर आयोजन किया जाता है। बड़ी सद्भावना के साथ सभी लोग मिलजुल करके कराते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी अपार भीड़ होती है। यहाँ दर्शक भी बहुत जो है अधिक हैं, अच्छे हैं और अनुशासन में रह करके मैच का आयोजन को देखते हैं और लोगों को जो है बड़ी आनंद आता है और बड़ी भीड़ होती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो खेल भाग लेते हैं खिलाड़ी हैं वो राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर जाएं और आयोजक लोग को इसी तरह आयोजन हर साल होता रहे, आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ता रहे, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? चूँकि डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब खेल शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति खुद अपने आप को जो है स्थापित किए हैं, सिवान जिला में नहीं पूरे बिहार भर में स्थापित हैं और वो चाहते थे कि बच्चे हमारे यहाँ खेलें। इसीलिए आपने देखा होगा कि सिवान में खेल के मैदान हो, चाहे आपका राजेंद्र स्टेडियम हो, इंडोर स्टेडियम हो, ये सब बनवाने का काम किए हैं। उनको भी बड़ी रुचि थी कि जो हमारे यहाँ का प्रतिभान छात्र हैं वो खेल में भाग लें और खेल के माध्यम से, चूँकि इस समाज में चूँकि खेल के माध्यम से जो शारीरिक स्वस्थता होती है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, इसलिए हमारे देश के भविष्य जो बच्चे हैं वो खेल में खेलें, पढ़ाई करें, शिक्षा प्राप्त करें, स्वस्थ रहें, इसलिए उनकी रुचि थी। इसीलिए लोगों के समर्थन भी उनके साथ रहता है और आगे भी समर्थन बना रहे हैं। इस तरह का आयोजन करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, आज 16 साल से यहाँ क्रिकेट का आयोजन करते हैं डॉक्टर शाहबुद्दीन साहब के संरक्षण में। इसमें आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं जकरिया खान साहब के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जकरिया खान साहब जो हैं यहाँ के वो कराते हैं, आयोजक हैं, उनके साथ साथ उनके पूरे मंडली को जो आयोजन करता है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि लोगों का आस्था है डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब में और मेहना साहब में, इसलिए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे नेता हैं वो कराते हैं और वो श्रद्धा शौक से कराते हैं, बड़ी अच्छा खर्चा करते हैं, इसलिए सारे लोग का समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है। इसके लिए मैं जकरिया खान को भी बहुत बहुत धन्यवाद।